Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जावेद चौधरी साहब आपकी जाने पाऊंगा इतनी गर्मी में वर्ल्ड 11 का पाकिस्तान आना ठंडी हवा का झोंका कैसे महसूस कर रहे हैं देखिए पाकिस्तान का क्रिकेट लवर बड़े अरसे से तरसा हुआ है और मैं भी इसी कौम का हिस्सा हूं जो पिछले 8-9 बरसों से धूप में खड़ी होकर क्रिकेट का इंतजार कर रही है तो मेरा ख्याल ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा गोल्डन टाइम है आज का एक सुनहरी दिन है और ये 9/11 के बाद का दिन है ये बताइए वर्ल्ड 11 का दिन है और हमारे लिए बड़ी मैं कहता हूँ खुशकिस्मती है और धूप अगर इससे भी कहीं ज़्यादा हो तब भी मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों को आज धूप महसूस नहीं होगी क्योंकि ये खुशी का लम्हा है जिसका वो इंतजार कर रहे थे हम दहशतगर्दी को शायद शिकस्त नहीं दे सके लेकिन हमने इस मुल्क में दहशत को शिकस्त जरूर दे दिया आज हमारा क्रिकेटर जो है वो भी मैदान में है और क्रिकेट से मोहब्बत करने वाला शख्स वो भी मैदान में है पूरी कौम मैदान में है टेलीविजन के सामने बैठी हुई है तो ये चीज़ साबित करती है कि हमारे अंदर कितना जज्बा है और हम अपने मुल्क को खड़ा हुआ सीधा उसी तरह देखना चाहते हैं जिस तरह वो आज से 10-20 साल पहले था और जब यहाँ पे स्पोर्ट्स होती थी जब लोग खुश होते थे खाने खाते थे सड़कों के ऊपर नाचते थे जश्न मनाते थे हम वही पाकिस्तान चाहते हैं और आज ये उस पाकिस्तान की तरफ एक पहला नुक्ता आगाज़ है उसका तो मेरा ख्याल ये है कि आने वाला दिन एक अच्छे पाकिस्तान के दिन होंगे और हम सब वो लोग होंगे जो बगैर सिक्योरिटी के बगैर किसी वॉक थ्रू गेट के हम स्टेडियम में जाया करेंगे हम खिलाड़ियों के साथ खड़े होकर तस्वीरें बनाएंगे खिलाड़ियों को शायकीन से कोई खतरा नहीं होगा शायकीन को खिलाड़ियों से कोई खतरा नहीं होगा क्रिकेट इस मुल्क में सबसे ज्यादा सेफ होगी वो दिन ज्यादा दूर नहीं है इमरान साहब मुझे महसूस होता है बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब क्रिकेट पाकिस्तान में बिल्कुल सेफ होगी और जावेद साहब आपने बड़ी अच्छी बात की कि अगर हम दहशत गर्दों को शिकस्त नहीं दे सके लेकिन दहशत को शिकस्त हमने जरूर दे दी है मंसूर साहब क्या कहेंगे कितना एक्साइटेड है आज के मैच को लेकर वर्ल्ड 11 पाकिस्तान में सियासत 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 आज जरा ये खेल की बात भी हो जाए मैंने अपने करियर का जर्नलिज्म का आगाज जो है वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से किया था मैं सलीम साहब को बड़ी पुराना जानता हूँ और इसी तरह मैंने कजाफी स्टेडियम में बतौर रिपोर्टर मैंने बहुत से मैचेस कवर किए हैं अब बतौर जर्नलिस्ट से जो हम जाते थे ना दिल हमारा तब भी यही करता था कि पाकिस्तान जीत जाए पाकिस्तान किसी तरह जरूर जीत जाए दिल आज भी करता है लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मेरा दिल इस वक्त ये कम से कम जरूर महसूस कर रहा है कि शायद हम पहले ही जीत चुके हैं हम इन मैचेस की पहली गेंद होने से पहले जीत चुके हैं वो इसलिए क्योंकि हम कामयाब हो गए इस टीम को यहाँ लाने में मैंने लाहौर के अंदर आज जो एक कलर देखा एक जज्बा देखा वो ये था कि हम लोग वो लोग हैं जब हमारे यहाँ सड़क बंद होती है किसी VIP के लिए तो हमें गुस्सा चढ़ता है यार मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि सड़कें बंद हो रही हैं और लाहौरिये कह रहे हैं होनी चाहिए कुछ नहीं होता वर्ल्ड 11 आई है हमारे पास आई है हमारे देश में खेलने आई है हमारे शहर में खेल रही है करो बंद तो दो सिक्योरिटी कुछ नहीं होता आप देखें यहाँ पर दुकानें बंद हुई हैं एक दुकानदार ने प्रोटेस्ट नहीं किया उसने नहीं कहा कि दुकान क्यों बंद की उसने कहा कुछ नहीं होता हमारे मेहमान आए हैं खेलने दो इनको यहाँ पे कोई मसला नहीं तो मेरे ख्याल में वो जो जिस जीत या हार की तो बात बहुत आगे चली गई है हम बतौर पाकिस्तान इसमें जीत ही जीत है इसमें आप मीडिया के हवाले से देखें हमारे मीडिया के ऊपर ये क्रिटिसाइज किया जाता है कि आप जनाब गलत चीज निकालते हैं पाकिस्तान का बुरा चेहरा आप एक्सप्रेस की कवरेज छोड़ें मैं कहता हूँ सब चैनल्स की कवरेज देखिए सारे पॉजिटिव हैं सारे कह रहे हैं कि जनाब आए और टीमें आए और खेलनी चाहिए आप आई थिंक वी हैव ऑलरेडी वन हमें वैसे एक क्रेडिट नजीब सेठी साहब को जरूर देना चाहिए कि ये ऐसा मुल्क है जिसमें हम जब किसी के खिलाफ होते हैं तो फिर 7 नस्लों का खिलाफ होते हैं उसके लेकिन मेरा ख्याल ये नजीब सेठी साहब का वाकई कमाल है कि वो जिस तरह बाहर से खिलाड़ियों को ले आए और उनको कहा कि ये वो पाकिस्तान नहीं है जो जिसको आप बाहर देख के महसूस कर रहे हैं हमारा पाकिस्तान बिल्कुल डिफरेंट है और उन्होंने खिलाड़ियों को यकीन दिलवाया और वो खिलाड़ी आज यहाँ पे हैं और ये सारे खिलाड़ी स्टार खिलाड़ी ये भी जहन में रखे हैं आप जिनको देखना चाहते हैं वो सिटी साहब की भी तारीफ उनकी चिड़िया की भी तारीफ और ये बाकी मेरा ख्याल ये उनको हमें देना चाहिए आज का दिन नजीब सेठी का दिन बिल्कुल पूरी कौम का दिन है सब सबकी बहुत बड़ी कामयाबी है सलीम साहब के पास भी हम आएंगे लेकिन उससे पहले कजाफी स्टेडियम के इर्द गिर्द क्या हो रहा है यहाँ का रंग तो आपने देख लिया यहाँ का माहौल भी आपको दिखाएंगे दीगर इलाकों की बात होगी लेकिन कजाफी स्टेडियम के इर्द गिर्द क्या हो रहा है मरियम के पास चलते हैं मरियम रफी क्या माहौल है क्या सूरत हाल देख नहीं सकता जी जैसे कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ कजाफी स्टेडियम के मेन गेट पे और वैसे तो एंट्रेंस का टाइम है 5 बजे लेकिन अभी से ही शायकीन की आमद का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है हल्ला गुल्ला यहाँ पे फुल ऑन जारी है नारेबाजी भी जारी है बहुत से लोग ऐसे जो कि मुख्तलिफ गेटअप करके आए हुए हैं और इस उम्मीद में है कि शायद इनके गेटअप से इंस्पायर होकर इंतजामिया जो है वो इनको अंदर जाने देगी लेकिन इंतजामिया के दिल पिघलने वाले नहीं है
दामिया की जगह जो है मेन एंट्रेंस पे सख्त और जैसे कहना चाहिए गुस्से वाले पुलिस वाले खड़े हैं जो कि बिल्कुल अंदर जाने नहीं देंगे। इंतजामिया के अलावा अगर बात करें सिक्योरिटी की तो मेन एंट्रेंस पे बहुत ही सख्त सिक्योरिटी इंतजाम रखे गए। वॉक थ्रू गेट जो है वो जगह जगह नस्ब हो गए, रास्ते बंद करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। उसके अलावा चार पॉइंट है जहाँ पे पार्किंग का जो है वो स्टैंड बनाए गए हैं। उसके अलावा मैं ये बताते चलूँ एलडीए प्लाजा, लिबर्टी प्लाजा, उसके अलावा जो है जामेश्वरी पार्क, उसके अलावा एफसी कॉलेज के अंदर जो है जो पार्किंग का सिलसिला है वो आपसे अपडेट्स लेते ही रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। सभी लोग बहुत पुरजोश है और यहाँ हम लिबर्टी राउंड अबाउट पर मौजूद है, गेस्ट हमारे साथ मौजूद है और डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आप हमारे साथ मौजूद है। सलीम साहब कहिएगा इंटरनेशनल क्रिकेट जा रही है, कैसे देख रहे हैं आप इस तमाम सूरत हाल को 9 साल बाद वर्ल्ड 11 पाकिस्तान में आ रही है? जी बहुत बड़ा मौका है जैसे जावेद साहब ने मंसूर साहब ने कहा, और मैं चूंकि इस दौरान पाकिस्तान के सारे मैच कवर करते रहा जहाँ भी चाहे यूएई में हुए इधर उधर, दुबई में भी बहुत हाल होता था, लोग सुबह से लाइनों में लगे हैं, इंग्लैंड में भी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ऐसा था कि ब्लैक में गोरी टिकटें बेच रहे थे। तो जब वहाँ इतना जोश व खरोश था तो यहाँ क्या होगा, मैं यही सोच के आया सुबह, और मैंने जिस तरह इन्हें मंसूर साहब ने बताया, मैंने लोगों को देखा सब इतना खुश कि क्रिकेट हो रही है यहाँ पे, आखिरकार आए तो कोई ना कोई टीम तो आई और ये मैच इंशाल्लाह कामयाब होंगे। फिर श्रीलंका ने भी कमिटमेंट किया एक वनडे के लिए, वेस्ट इंडीज की टीम भी कह रही है, फिर साउथ अफ्रीका के 5 प्लेयर उस टीम में शामिल है, तो इससे लगता है कि साउथ अफ्रीका का बोर्ड जो है पाकिस्तान से ताउन करने को तैयार है, इंशाल्लाह उनकी भी टीम आएगी। फिर जब इस तरह क्रिकेट होती रहेगी तो चीज़ें नॉर्मल होती रहेंगी, फिर बात ही नहीं होगी सिक्योरिटी की, और फिर क्रिकेट की बात होगी, यहाँ बैठ के हम क्रिकेट की बात करेंगे, सिक्योरिटी की बात नहीं। एक और गेस्ट ने भी हमें ज्वाइन किया, बड़े स्पेशल गेस्ट हैं, पहले भी आपकी मुलाकात करवाई है, एक मतलब फिर हमारे साथ मौजूद है तारिक जक्सन साहब। तारिक साहब बहुत शुक्रिया एक मतलब फिर आपके साथ हम मौजूद। तारिक साहब कुछ आइटम्स आपने पहले पेश किए थे वो बड़े मजे के थे, अब क्या लेकर हाजिर हुए आप? मुख्तलिफ शख्सियात के हवाले से पाकिस्तान में शख्सियात बनी मुनफरद होती हैं, जिसमें चौधरी शुजात साहब बड़े मासूम से सियासतदान हैं, तो इनका नाम ले के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, ये वाहिद दुनिया के पॉलिटिशियन के इनका नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, तो मासूम से हैं। तो इस हवाले से अगर वो आज अगर वो यहाँ आपके पास मौजूद हैं तो इस माहौल को देख के तो उनके ख्याल का इजहार कर सकते हैं? सबसे पहले तो बड़ी मेरी खुशी हुई है इस माहौल को देख के, इतना अच्छा माहौल है, बड़ी जोश बड़ी खुशी हुई, मेरे जवानी की याद आ गई है, बड़ा मुबारकबाद पेश करता हूँ, ठीक है। अच्छा तो माइकल जैक्सन का एक गाना आप भी थोड़ी देर पहले आप सुना रहे थे, वो भी अगर हो जाए तो क्या ही बात है? ये माइकल जैक्सन अगर यहाँ आया होता जी तो अपने ख्यालात का इजहार अपने गाने के अंदाज में कैसे करता, तो थोड़ा सा म्यूजिक भी साथ में उसका जिन लॉर ने वेख्या ओ जमया ही नहीं, एवे लॉर हो लॉर लिबर्टी चौक ये इंटरनेशनल क्रिकेट इज गोइंग ऑन ओ ये वर्ल्ड 11 एंड Pakistan team is going on for the play. Oh, I mean, oh, no, no. नॉनस्टॉप मौज मस्ती का सिलसिला जारी रहेगा, छोटी सी ब्रेक उसके बाद बिल्कुल ब्रेक बनती है और आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। रोकना चाहोगे तो ना रुकेंगे,